जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी कभी ये दिल जा। बाबी किस लड़की को तुम हमारे सरों पे सवार करते हो, ये क्या तरबियत करेगी हमारे बच्चों की? बस आपा बस प्लीज, ये निचले खानदान की लड़की तुम लेकर आए हो इस घर में। नहीं ये कोई जिंदगी कभी ये दिल जला दिया। ना ये घर मेरा अपना और ना इस घर के लोग मेरे अपने। घर के हर बंदे हर शख्स को मुझसे नफरत है, कोई मेरी शक्ल ही नहीं देखना चाहता। तो बेहतर है ना कि मैं इस घर से चली जाऊं और आप लोग सुकून की जिंदगी गुजार सके। और सबसे जरूरी बात, वो आपकी बड़ी बेटी वो सुकून से रह ले इस घर में। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, ये घर तुम्हारा है, फायदा तो अपने घर की है। अरे दरबाब रोकते क्यों नहीं हो? बाबा बाबा जाने दीजिए। कहाँ जाएगी इस वक्त? कहाँ जाऊंगी क्या मतलब? कोई मैं लावारिस हूँ? मेरा अपना घर है, मैं अपनी माँ के घर जाऊंगी और जब तक मेरा दिल चाहेगा वहीं रहूंगी। बोझ नहीं हूँ मैं किसी पे, जैसे इस घर के लोग प्रिटेंड करते हैं। पर एक बात याद रहे, जिंदगी में कभी ना तुम्हें मैं अपने बच्चों की शक्ल देखने नहीं दूंगी, वापस नहीं आऊंगी कभी मैं। मैंने तो सोच ली है, मैं तब तक अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी जब तक सरबाब खुद आकर मुझसे माफी नहीं मांग लेते और मुझे साथ नहीं ले जाते। मैं तो कहती हूँ तब भी मत जाना, ये लड़का नाक रगड़े बच्चों के लिए तरसे। जरा मिला तो उसका नंबर, मैं पूछूं उस नवाबजादे से उसने सोचा कैसे मेरी बेटी पर हाथ उठाने का। ना भाई मैं नहीं करती उसे फोन, वरना उन साहबजादे को फिर से लगेगा कि जैसे मैं उनकी मिन्नतें करने के लिए फोन कर रही हूं कि मुझे आकर यहां से ले जाएं। उसे जो लगता है लगे हमारी बला से। ये पकड़ मेरा मोबाइल, इस नंबर मिला, करती हूं मैं उससे बात। और खूब दिल खोलकर बातें सुनाना, कोई लिहाज करने की जरूरत नहीं, कोई इन्हें इज्जत देने की जरूरत नहीं, जलील करना रख कर।